ಸಂಗತ ನಮ್ಮದಾ ಪಾ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮನಾನ ಕಾತೆ ಕಾತೆ ಸಂಗತ Assalamu alaikum beautiful people, welcome back to the channel. I am Mehraj Baloch and you are on M Baloch Vlogs. Guys, aaj ka jo ek vlog hai, ye vlog be intaha khoobsurat hai aur zabardast vlog hai. To vlog jo hai, ye vlog ek hidden place ke bare mein hai, ek hidden beauty ke bare mein hai, jaise ki aapne thumbnail mein bhi dekha ki maine likha hua tha. और जिस जगह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस जगह का नाम है रोध. रोध जी हम बोलते हैं नदी नाले, उनको जो है उर्दू में नदी नाले और बलोची में रोध होता है. और रोध जो है एक बेहंतहा खूबसूरत जगह है माशकिल का. और मुझे तकरीबन 2 दिन लगे ये व्लॉग बनाने के लिए और 1 दिन इसको जो है सेल्फ शूट और इसको एडिटिंग करने में लगे. तो व्लॉग जो है बेइंतहा खूबसूरत है. तो व्लॉग की शुरू होने से पहले मैं आपको रोध के बारे में चंद इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. तो इन्फॉर्मेशन ये है कि रोध जो है माशकिल से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का फासला है. और रोध जो है टुल से शुरू होकर मुसी तक ख़त्म होता है. रोध का पहला इलाका आता है टुल और उसके बाद लास्ट में जो आता है वो मूसी होता है. और उसके बाद जो है ये फिर कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट चागे से होता है. फिर इंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाशुक की तरफ होता है. रकबे किलिया से ये बहुत फैला हुआ है देहात है. और इसकी जो आबादी है, आबादी इसकी लगभग आबादी जो है वो है 15,000 के करीब. और वहाँ के जो मकामी बंदे हैं वो इतने नहीं हैं. ये वो लोग हैं जो माशकिल से माइग्रेट करके वहाँ पर जा चुके हैं. और इस दफ़ा तो वहाँ पे जो है गंदम की काश्तकारियाँ वगैरह ये होती हैं. तो सारे तकरीबन कुछ अपने फैमिलीज़ के साथ, जैसे कि मैं अपने यार दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था और पिकनिक के साथ मैंने अपना व्लॉग भी बनाया. तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और ऑसम प्लेस है जिसे हम रोध. फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं रोध पे. और ये जो है रोध है, ये इसका एरिया है, यहाँ से शुरू होता है. और ये जो है टुल है, इसके बाद और आगे कौन से इलाके हैं वो भी आपको बताऊंगा. तो देखते हैं व्लॉग कैसा जाएगा. तो साथ रहें इंशाल्लाह. बाहर के मौसम में होता है और यहाँ की मकामी ज़ुबान में इस पौधे को कहते हैं मगेर. और ये बड़े शौक़ से खाया जाता है और ख़ास करके दूध के साथ वो बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस एक पौधा है ये खाना. अभी पानी जो इस वक्त यहाँ पे खड़ा है और आप देख सकते हैं उस तरफ जो है आबादी है. और अभी पैदल आप वहाँ पे जा सकते हैं यहाँ से तैर के. और ये पानी जो है आई थिंक बहुत गहरा है. बिल्कुल शाम होने वाला है और हमारे पास जो है अभी तक लाइट नहीं है. तो दोस्त जो हैं वो इस वक्त बिरयानी का प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग. बहुत वक्तों के बाद ऐसी असी मजाक वाली रात मैंने अपने दोस्तों के साथ गुजारी और बहुत ही इंजॉयबल नाइट था ये मेरे लिए रोध में.
फ्रेंड्स, अभी हम लोग उठे हैं, मॉर्निंग टाइम है और एक ऑसम व्यू बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है रोद, रोद में इसको कहते हैं टोल। तो व्लॉग जारी है, एंजॉय करें। फ्रेंड्स, आप में से जितने भी बलोच हैं तो आप मेरे इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि जो हमारे पुराने बलूचिस्तान के जो पुराने लोग थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनका रहन सहन कैसा था, ये मुझे रोद में जाके फील हुआ कि हमारे जो पुराने जो बुज़ुर्ग थे वो कैसे रहते थे। ये वहाँ जाके मुझे फील हुआ, कच्चे मकान, भेड़ बकरियाँ, काश्तकारियाँ, और जो है सबसे मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान के जो बलोच रवायती बलोच खानों में सबसे पहले नंबर आता है, जिसे हम बलोची में शीर रोगन बोलते हैं। फिर वो तो मिल जाए तो उसका अपना ही मज़ा है, जैसे कि मैंने तो बहुत खाया, और अगर आपने भी खाया है तो कमेंट्स करके बता दें, मुझे भी बता दें कि अगर आप लोगों ने। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने, और इसमें नहीं, एक और जगह है वहाँ, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम मेरे साथ है। तो ये है वो सैलाबी पानी जो यहाँ से गुजरा, अभी तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन कल रात या कल से तो बहुत ज़्यादा था, अभी खैर बहुत कम हो गया। आज के व्लॉग में इतना ही, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।